एक पर्टिकुलर टॉपिक जो बहुत से लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है कि उनकी नाक में क्या टेढ़ापन है। बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो नाक का टेढ़ापन भी कभी कभी आपके फेस को कैरेक्टर देता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नाक टेढ़ी है और उसकी वजह से आपकी खूबसूरती में कोई खेद आ रहा है या फिर आपकी खूबसूरती उससे कम हो रही है, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं डॉक्टर आकांक्षा सक्सेना हूँ। मैं ईयर नोज थ्रोट और हेड नेक कैंसर की सर्जन हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट सर्जन SCI हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ। ऑलमोस्ट 80% लोग इस दुनिया में उनका नाक थोड़ी सी टेढ़ी होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी नाक बिल्कुल सीधी होती है। अब नाक का टेढ़ापन भी आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। क्या नाक बाहर से टेढ़ी लग रही है, क्या नाक अंदर से टेढ़ी है, क्या नाक के टेढ़ेपन से सांस लेने में कोई रुकावट आ रही है, इसके हिसाब से हम नाक के टेढ़ेपन का इलाज करते हैं। अगर नाक बाहर से टेढ़ी है, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी हड्डी टेढ़ी दिखती है बाहर से, तब हम जब इसका इलाज कर रहे होते हैं तो हम नाक के टेढ़ेपन को बाहर और अंदर दोनों की तरफ सर्जरी करके इसको एड्रेस करते हैं। इसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। राइनो का मतलब नाक और प्लास्टी का मतलब सर्जरी चेंजेस। दूसरी एक सर्जरी होती है नाक में, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। सेप्टोप्लास्टी में बाहर की नाक को हम एड्रेस नहीं करते हैं, मतलब कि अगर आपकी नाक बाहर से टेढ़ी है तो हम आपको सिर्फ सेप्टोप्लास्टी नहीं करेंगे, तब हम आपके बाहर की नाक और अंदर के सेप्टम को दोनों को एड्रेस करेंगे। अगर नाक के अंदर की दीवार जो आपके दाएं और बाएं में डिवाइड कर रही है नाक को, अगर वो अंदर से टेढ़ी है और आपकी नाक में किसी तरफ एक तरफ ज़्यादा रुकावट आ रही है, तब हम नाक की अंदर की दीवार को थोड़ा सा काट के सीधा कर देते हैं। ये दोनों सर्जरीज जो होती हैं बिना किसी स्कार, बिना किसी निशान की जा सकती हैं, तो इसलिए इसमें ऐसे नहीं होता है कि आपकी खूबसूरती में कोई दाग आएगा। सेप्टोप्लास्टी भी अब कई तरीके से होती है। आप लोग ने सुना होगा एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, एंडोस्कोपिक सेप्टोराइनोप्लास्टी, ओपन राइनोप्लास्टी, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। इसका डिस्कशन आप अपने डॉक्टर से करें। अगर आपको और कोई सवाल है या आपकी कोई क्वेरीज हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और हमारी टीम आपको कॉल करें।